जय हिंद साथियों तो जैसा कि आप सभी जानते हैं आजकल अगर हम बात करें सबसे ज्यादा हॉट न्यूज क्या है आपके हरियाणा में तो उसमें आपकी अः एच सी एस एच पी एस सी सबके घेरे में सकते घेरे में क्या है इसमें पूरी इंक्वायरी चली हुई है बैठी हुई है तो पूरा जो है अः गाज गिर चुकी है आपकी हरियाणा एस एस के ऊपर भी तो चीजें किस प्रकार से है जो हम एच की बात करें हरियाणा एस की बात करें मामला शुरू होता है एच सी एस पहुंच जाता है हरियाणा एस तक तो अभी वर्तमान में क्या है फिलहाल स्टेटस क्या है उसके बारे में बात करते हैं तो अभी क्या चल रही है इंक्वायरी चल रही थी आप सभी जानते हैं जो आपके डेप्यूटी सेक्रेटरी को अरेस्ट किया गया तो रिमांड पे है तो आज उनका रिमांड प्रोसेस खत्म होकर कोर्ट में पेश किया जाएगा तो उसके बाद में क्या क्या और चीजें सामने निकल करके आती है हालांकि जो जांच है आपकी वो हरियाणा एस तक पहुंच चुकी है हरियाणा एस एस सी के लोगों की इन्वॉल्वमेंट या फिर हरियाणा एस का कुछ ना कुछ उसमें था जो कि आया था पेपर में देखने पेपर में हमने देखा था न्यूज वगैरह में हमने पढ़ा देखा सुना तो हरियाणा एस तक जो है चीजें आपकी जा चुके हैं वहां के भी लोगों से इंक्वायरी की गई है तो वैसे में ये बात जानने वाली है ऐसा हो सकता है कल मैं हरी भूमि में एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें लिखा हुआ था कि जैसे एस सी के पेपर में पता चला कि कुछ पोस्ट के एग्जाम रिश्वत लेकर के पेपर लेकर के ओ एम सीट वगैरह पूरा जो है सेटिंग उनकी चली थी जो भी सामने आई है ऐसे ही चीजें हरियाणा एस की जो पिछली भर्तियां हुई है उनमें भी हो सकती है ठीक है तो उनपे भी जो है पूरी की पूरी इंक्वायरी बैठेगी सारे की सारी चीजों की जांच की जाएगी किस प्रकार से भर्ती आपकी हुई है तो अभी सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि जो आने वाले समय में दिसंबर के महीने में जो आपके पेपर हरियाणा एस के होने वाले देखो एच का पूरा मामला क्या है एच की जो प्रिलिम की परीक्षा हुई थी अभी आप जानते हैं कि प्रिलिम का पेपर हुआ था और जो आपका डेंटल सर्जन की परीक्षा जिसमें मेन करप्शन आपका पाया गया है वो कैंसिल हो गया नहीं होगी उसके लिए आज आपकी रिपोर्ट आ जाएगी ठीक है मतलब स्टेट विजिलेंस ब्यूरो जो है आपकी रिपोर्ट देगा उसमें सारे के सारे चीजें आएंगे कि किस स्तर पर कैसे कैसे सारी की सारी चीजें हुई और ये जो है आपके कैंसिल होगी या नहीं होगी अभी स्थगित की गई है स्थगित का मतलब होता है रोक दी गई है लेकिन कैंसिल नहीं हुई है तो कैंसिल होती नहीं होती है ये आपका जो है पता चलेगा जब रिपोर्ट आ जाएगी लेकिन अब ऐसे में हरियाणा एसएससी जो सबके घेरे में है उसका क्या क्या आने वाले समय में आपके पेपर होंगे या नहीं होंगे सबसे बड़ा सवाल आज के टाइम में बन करके आपके सामने आ गया उभर के तो ऐसे भी आपको क्या करना चाहिए तो देखो यहां से हमें पता चलता है कि जो चीजें हैं आपकी चल रही हैं जो धांधली चल रही है वो खुल के सामने आ रही है आ रही है चीजें उभर के आपके सामने आ रही है लेकिन ये सामने तो हमेशा सा आती रहती है इस पर एक्शन होना चाहिए तो उम्मीद करते हैं कि जैसे एच का मामला पूरे सामने आया है आपका डिपार्टमेंट के लोग अरेस्ट किए गए हैं उनसे इंक्वायरी की गई है अगर ऐसे भी कुछ इंक्वायरी आगे स्तर पर बढ़ती है

क्योंकि एस का मामला तो है कि उसमें तो पूरी संभावना है कि हो सकता है भी आपका कैंसिल हो जाए लेकिन हरियाणा एस का पूरा अभी सारी चीजें खुल के सामने नहीं आई है कि किस प्रकार से क्या क्या, क्या चीजें हरियाणा एस से इसका लिंक है ठीक है हरियाणा एस में ऐसी चीजें हुई है तो जब इंक्वायरी बैठेगी तब पूरी चीजें इस पर सामने आएंगी तो अभी तो ऐसा कोई भी आ, स्टेटस नहीं है हाँ कुछ पोस्ट के एग्जाम अभी पोस्टपोन किए गए हैं जैसे कि आपने देखा कुछ डिपार्टमेंटल एग्जाम थे जो हरियाणा एससी कराती है उनको होल्ड पे रखा गया अभी नहीं हुआ है आपकी पोस्टपोन्ड है तो ऐसे में ग्राम सचिव पटवारी नल पटवारी दुर्गा शक्ति जो आने वाले पेपर उनका क्या होगा जहां तक मुझे लगता है दो तीन दिन में ये जो चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि पेपर के बारे में क्या जो रहेगा अभी थोड़ा टाइम भी बचा हुआ है है ना तो उस पे जो है कुछ कहा नहीं जा सकता तो आप लोग क्या कीजिए आप लोगों को क्या करना चाहिए आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से जारी रखिए लेकिन ये तो चीजें चल रही है अगर इसमें कहीं पर भी एक परसेंट भी हरियाणा एस का इन्वॉल्वमेंट है हरियाणा चीजें की है तो उस पर पूरी की पूरी कार्रवाई जो है आपकी होनी चाहिए क्योंकि एक एक बच्चा मेहनत करता है।, है ना हर किसी के पास में बीस बीस लाख रुपए नहीं होते हैं जो बिना पर्ची बिना खर्ची वाली जो चीजें होती हैं वो जमीनी स्तर पर कितनी सही है वो देखने वाली चीजें आपकी ठीक है भाई हम हाँ मानते हैं कि कहीं कहीं पे ऐसे बच्चों का सिलेक्शन होता है जिन्होंने ना कोई रिश्वत दी ना कोई रिश्वत का मतलब उनका कोई कनेक्शन है उनका सिलेक्शन होता है लेकिन अगर एक बच्चे का भी सिलेक्शन आपका रिश्वत से होता है तो आपने उस एक बच्चे की नौकरी खाई है जिसके माता पिता खेत में काम करते हैं और वो घर पे बैठ के पढ़ता है, कि पढ़, वो करता है। तो ये गलत चीज है इस पर पूरी की पूरी चीजें होनी चाहिए तो देखा जाएगा कि पेपर कैंसिल होते हैं परीक्षा आपकी रद्द होती है या फिर आगे कैसी चीजें चलती हैं तो आप इन सब चीजों पर कम ध्यान देना हमने दिया हुआ है आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए तो अभी ऐसे कुछ चीजें आ रही थी बच्चे कुछ बोल भी रहे थे कि मैम पेपर कैंसिल हो जाएगा होगा नहीं तो अभी ऐसी कोई न्यूज नहीं है हरियाणा एस का खुल के सारा मामला सामने नहीं आया जब तक नहीं आ जाता हम कुछ कह नहीं सकते ठीक है तो जैसे अगले अपडेट आते हैं आपको दी जाएगी तो जहां तक लगता है अभी तो कैंसिल की कोई उम्मीद नहीं हरियाणा एस की अगर हम बात करें का तो हो सकता है आपका तो जैसे अगली अपडेट आएगी आपको दी जाएगी हरियाणा एग्जाम्स एग्जामपुर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसके लिए ठीक है तो आपकी जो क्लासेज है वो चलती है सुबह सात बजे से तो आप सारे के सारे क्लासेज ज्वाइन कीजिए अच्छे से तैयारी कीजिए आपको अगर कोई डाउट हो कुछ भी अगर आपको बोलना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ठीक है तो ये न्यूज थी आपके लिए थैंक यू सो मच जय हिंद जय जै भारत